नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर वो मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्मे आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्ला खादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि आज आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर्स के लिए एक इलेक्शन का इनेकाद अमल में लाया गया। ये इलेक्शन मुसाफिर खाना विजयवाड़ा में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले मुतवलियान ने बड़े पैमाने पर शिरकत की और अपने हक़ रायदेही का इस्तेमाल किया। इससे कबल एक खानगी फंक्शन हॉल में नायब वज़ीर आला अमजद बाशा, रुकन असम्बली हफीज़ खान और दीगर अराकीन YSRCP के क़ायदीन ने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की और डेवलपमेंट की बुनियाद पर, रियासत में तरक्की की बुनियाद पर उनके कैंडिडेट जो शेख खाजा साहब को वोट देकर कामयाब कराने की अपील की। इस मौके पर इलेक्शंस में 3 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं। रियासत भर से जो मुतवलियान ने शिरकत की उसमें सैयद महबूब बाशा भी हैं जो आधुनी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुतवली सातू भी दरगाह के हैं और बड़े आसार अपोजिशन कायदीन ने बताया कि इस इलेक्शन को पैसे से खरीदने की कोशिश कर रही की जा रही है। इसी तरह दूसरी जानब YSRCP कायदीन ने बताया कि अपनी डेवलपमेंट की बुनियाद पर वो वोट दे रहे हैं, पैसे से खरीदने की कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ कि जब से वक्फ एक्ट आया है तब से लेकर आज तक किसी भी सियासी पार्टी ने इस इलेक्शंस को जो है इतना ज़्यादा जो है सियासी ये नहीं बनाया, लेकिन आज फिर क्यों, हालांकि कहते हैं कि अक़लियत पूरे हमारे साथ हैं, अक़लियत पूरे हमारे दिल में हैं, अक़लियत पूरे हैं उन्हीं के लिए मेरी पैदाइश है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर ये डर आखिर क्यों है ये समझ में नहीं आता। तो आज जो है कैंप्स मुनक़िद कर जितने भी हमारे हजरात हैं, मुतवली हजरात हैं, उन सबको जो है चुन चुन कर जो है उनको उठाया जाना और उनको जो है डराना, धमकाना, उनके आईडी कार्ड छीन लेना और यहाँ तक कि यहाँ पर आने के बाद में भी जो है कंप्लीट पोल मैनेजमेंट चल रहा है। हम अक़लियती हुकूक बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से हम इंडिविजुअल तौर पर, मतलब पूरी हुकूमत एक तरफ है और अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियती हुकूक बराए तहफ़्फ़ुज़ हक़ बजानिब हम भी जो है बराबर जो है डंके की चोट पर जो है खड़े हुए हैं और हमारे को किसी भी सूरत हाल में हमारा जो नॉमिनेशन है उस नॉमिनेशन को जो है विड्रा करने की भरपूर कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और वो चीज़ को जो है हर हमेशा हमारे को उस चीज़ को जो है प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर मुझे ये बात कहना ज़रूरी है कि आज जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर जो 7 लोग नॉमिनेशन फाइल किए थे तो उन लोगों में से जो है तकरीबन 4 लोगों का जो है नॉमिनेशन जो है ज़बरदस्ती विड्रा करा दिया गया। ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल चीज़ है। बहरहाल हार और जीत अल्लाह की हार में है, हम दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर बस ये बात इतनी सी है कि औकाफ की जो जायदाद है, क्योंकि जो भी बंदे हैं ये इससे पहले भी जो है मेंबर की हैसियत से कर चुके हैं और इनके ऊपर कई ढेर सारे एलिगेशन हैं, बावजूद उसके हुकूमत पूरी उनके तरफ खड़े होना, ये हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन सा मेवा है जो इन्हों खिलाया गया। लेकिन ऐसा अगर मेवा है तो फिर वो अल्लाह के पास भी जो है इसका जो है जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे मेवों की बात अलग है लेकिन ये मेवे की बात अलग है, क्योंकि ये मेवे का जो असल हकदार है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। जज़ाकुमुल्लाह, सलाम अलैकुम। विजयवाड़ा के अंदर वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों के ताल्लुक से जो प्रोग्रामिंग वोटिंग का रखा हुआ था, इस बिल्डिंग के पास तमाम हजरात पहुंचे हुए हैं। मुतवल्लियों की वोटिंग के ताल्लुकात से जो है नहीं, तमाम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से, आंध्र प्रदेश के स्टेट से सब अपना अपना वोट डालने के लिए विजयवाड़ा पहुंचे हुए हैं इस मकाम पे। तकरीबन मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं जिस वक्त मेरी इंक्वायरी के हिसाब से, मेरी तफसील के हिसाब से मैंने वहां पे लोगों को पूछा कितने वोटिंग अभी तक चले हुए हैं, तो उन लोगों के बदौलत जो है अप्रॉक्सीमेटली 48% यानी 243 वोट्स में लगभग 100 वोटों तक अभी पोलिंग हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो बिफोर 4 o'clock पोलिंग ख़त्म होंगी। यहाँ का मंजर देख रहे हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह जोश जज्बात के साथ तमाम लोग अपने अपने वोटों को अदा कर रहे हैं। मंजर ये दिख रहा है कि हमारे ख्वाजा साहब के लिए बहुत सारे लोग वोटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह
अल्लाह अगर चाहा उनके हक में है तो बड़ी उम्दी मेजारती के साथ जो है नहीं उनको जिताएंगे लोग। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह जो है नहीं खैर के और हक़ के मामलात में फैसले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ विजयवाड़ा, वकील मैं। आज जो इलेक्शन चल रहा है अकबोर्ड का, जितने भी लोग स्टेट के पूरे जगह से जितने भी लोग आए, बहुत बहुत खुशी है उनकी। और मैं कर्नूल का इंचार्ज था, मेरे साथ हमारे एमएलए साहब हफीज खान साहब बहुत मदद करे हमारा, वैसा अब्दुल्ला भाई हमारे खादरी साहब नूरला खादरी, ऐसा पूरे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट का है हर जगह से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हमारे को बहुत सपोर्ट करे। आज इलेक्शन इतना अच्छा हो रहा है बोल तो पार्टी का कोऑपरेशन बहुत था हमारे को। और क्या बोलते, जितने भी लोग वोटर आज इलेक्शन में वोट डालने आए उनको दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नेक्स्ट जो भी अकबर में हमसे जो भी काम हो सकता, हम खाजा को बोल के और जो एमएलएस है हमारे माइनॉरिटी एमएलएस डिप्यूटी सीएम साहब, इनसे बोल के हमें कराते बोल के हमें वादा करते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या बोलते हो, डिप्यूटी सीएम साहब से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे खाजा भाई, हम खाजा भाई की टीम, इन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार है।